हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस वीडियो में सनफ्लेम मिनी ओटीजी और स्नैक मेकर की, जिसको मंगाया है हमने फ्लिपकार्ट से। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को शुरू और करते हैं अनबॉक्सिंग सनफ्लेम मिनी ओटीजी को। तो सबसे पहले तो इस स्नैक मेकर की पैकिंग को देख लीजिए कि ये किस तरह की पैकिंग के साथ में आया है। तो ये एक पेपर के साथ में पैक होके आया है, पूरा कवर होके आया है। इसका जो बॉक्स है वो पूरा पेपर से कवर होके आया है और टेपिंग होकर आया है। तो अच्छी तरह से टेपिंग वगैरह होकर आया है ये। इसके ऊपर एक स्लिप लगी हुई है, उसके ऊपर हमारा नाम और घर का एड्रेस वगैरह है। तो अभी हम बॉक्स की सारी टेपिंग को खोल देते हैं सीज़र की हेल्प से और फिर उसको अनपैकिंग करेंगे इसकी। तो ये सीज़र की हेल्प से खोलना पड़ेगा क्योंकि टेपिंग जो है वो बहुत मज़बूत तरीके से चिपकाई गई है इसके ऊपर। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा सीज़र से खोलने में इसको। तो अभी हम पूरा कंप्लीट इसको खोल लेते हैं। इसको चारों तरफ से खोलना पड़ेगा क्योंकि ये वन साइडेड से ओपन नहीं होगा। तो इस तरह से हम खोल लेते हैं। ये नाम की ये चिट हटा देते हैं इसकी, ये नेम प्लेट वगैरह लगा हुआ है इसको हम हटा देते हैं, साइड में रख देंगे क्योंकि अगर कोई दिक्कत हुई तो हम इसको साथ में दिखा कर इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो अभी हम इसको संभाल के रखेंगे इसको। इस तरह से इसकी टेपिंग हट चुकी है, कुछ हट गई हैं, कुछ हटाना भी बाकी है। तो अभी पहले हटा देते हैं। बहुत मजबूती के साथ में ये आया है, बहुत सेफ्टी से आया है ये। तो पैकिंग वगैरह बहुत अच्छे से हुई है इसकी। टाइम लगेगा आपको, उसका टाइम वेस्ट हो रहा होगा, तो हम इसको जल्दी जल्दी खोल लेते हैं। तो ये अब इस तरह से खुल चुका है। तो ये वाइट कलर का इसका बॉक्स है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा हटा देते हैं, ये पेपर्स वगैरह को। तो ये पेपर की पैकिंग के साथ कवर होकर आया था ये बॉक्स। तो अभी बॉक्स के ऊपर से इन कवर्स को हटाकर एक साइड में कर देते हैं। उसके बाद इस बॉक्स को रखते हैं हम टेबल के ऊपर और फिर इसको खोलेंगे। तो हम चेयर पे बैठ जाते हैं, फिर खोलते हैं। तो ये बॉक्स को आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है इसके ऊपर सनफ्लेम और इसके ऊपर ये पिक्चर बना हुआ है इस ओवन का, इस तंदूर का, मिनी ओटीजी का। तो बॉक्स की टेपिंग को भी हटा लेते हैं अभी कैंची की हेल्प से, क्योंकि जो टेप है बहुत मजबूती से चिपकाई गई है। तो इसको हम थोड़ा सा खोल लेते हैं, फिर उसको देखते हैं कि जो हमने ऑर्डर किया था, जैसे हमने पिक्चर में देखकर मंगाया है वही सेम मिला है हमें या फिर कुछ चेंज हुआ है। तो अभी इसकी भी टेपिंग को खोल लेते हैं और फिर देखते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी खोल लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको खोलने में। तो खोल लेते हैं, बहुत मजबूती से लगा हुआ है। तो खुल चुका है हमारा ये सनफ्लेम का ओवन और ये देखिए इसके अंदर कई सारे। तो ये देखिए ये खुल चुकी है इसकी टेपिंग और ये है इस तरह का बॉक्स। ये बहुत हल्का है, बिल्कुल भी भारी नहीं है, ये आसानी से इसको हम उठा सकते हैं दोनों हाथों से और इसको बच्चे भी उठा सकते हैं। तो इसका जो वज़न है बहुत ही कम है, शायद हाफ के जी, वन के जी ऐसे कुछ होगा। तो अभी हम बॉक्स के अंदर जो थर्माकोल के पीसेस हैं ये सारे टूट चुके हैं, शायद ट्रेन वगैरह में सफ़र में ये आए हैं तो टूट गए होंगे, लेकिन सामान टूटा है या नहीं वो अभी देखने के बाद पता चलेगा। तो चलिए इसको भी हम खोल के हटा देते हैं। ये थर्माकोल के पीसेस जो हैं वो टूटे हुए मिले हैं हमें बॉक्स के अंदर, ये अच्छे से पूरा सेट करे हुए नहीं मिले, टूट चुके हैं। तो अभी देखते हैं कि ये हमारा ओवन टूटा हुआ है या फिर वैसा है जैसा फ्रेश है ये, तो नहीं है तो अभी इसको बाहर निकाल के देखते हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये आते हैं ऑनलाइन सामान, जब हम ऑर्डर करके उनको मंगाते हैं कोई ग्लास वगैरह के, इस तरह से होते हैं। तो ये थर्माकोल वगैरह टूट चुके हैं और अभी बॉक्स के अंदर देखते हैं कि ये हमारा जो सनफ्लेम का ये तंदूर है, ये ओवन है, ये सही सलामत आया है या टूट चुका है ये भी। तो इसको हम हटाते हैं बॉक्स को एक साइड में और
तो अभी बॉक्स को करते हैं हम साइड में। इसके अंदर जो थर्माकोल के पीसेस वगैरह हैं वो सारे बॉक्स के अंदर रख देंगे और इसको कर देंगे हम एक साइड में। और अब खोलेंगे हम इस ओवन की पैकिंग को। तो ये एक पॉलीथीन प्लास्टिक के बैग में कवर होके आया है और ये देख सकते हैं। तो ये जो ओवन है ये प्लास्टिक के बैग में भी कवर है। अब तो हम इसको देखते हैं कि ये कैसा है। तो ये सबसे पहले इसमें एक ग्लास लगा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत हल्का है तो आसानी से हम आपको इसका ये दिखा सकते हैं। तो ये देखिए इसमें ग्लास लगा हुआ है। इसका जो डोर है वो ठीक ठाक है, कोई टूटा फूटा नहीं है, ये अच्छा सामान है, ठीक है। और इसके अंदर ये प्लग है, ये 3 पिन का प्लग है ये। और इसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। और इसके अंदर और क्या है, ये एक ट्रे है और एक जाली की ये ट्रे है। तो इसको अभी हम लगा लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। तो अभी ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल को हम हटा देते हैं। ये इसकी वारंटी कार्ड है ये, और ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इसका। और ये एक उसकी ट्रे है और एक उसकी जाली है। वो हम ही देखो कैसे भाग गई, देख के वो भागी। तो अभी हम इसको सेट कर लेते हैं, इनको कैसे लगाएंगे, और बस फिर इसको ऑन करके देखेंगे। तो इस मिनी स्नैक मेकर के अंदर कोई स्विच ऑफ ऑन करने के लिए नहीं है, इसको हमें डायरेक्ट बोर्ड से ही ऑन ऑफ करना पड़ेगा प्लग लगाने के बाद। और इसके अंदर एक टाइमर है, 15 मिनट से ऊपर का कोई टाइमर इसमें नहीं है। तो 3 मिनट का भी ये जल्दी हीट कर लेगा, 5 मिनट का है, 10 मिनट का, 15 मिनट का। तो ये इस तरह से है।